एक बार मुझे फाइनल पोजीशंस देख लेने दो, एक बार सब लोग हट जाओ, फिर से सब लोग हट जाइए, ब्लॉक आजा, आगे आजा सब, हाँ ये सरकार, हाँ ये टू शॉट, चलिए समथिंग लाइक दिस, हाँ अपने फेस पे लीजिएगा बीच में, हाँ ये स्टेज पे और थोड़े से ज्यादा लोग रखो ताकि बच्चियां अरे चुप रहो रे, okay. Now, okay. Light off.
कुछ कमी रह गई, कोई गलती हो गई हो तो मैं, गलती तो हुई है सर, चार्ज ट्रॉली बैग मैडम पे चार्ज, ट्रॉली बैग हाँ एक बार चार्ज वापस लो। और ये बंदे पे पहले से थोड़ा सा शक था सबको, और ये चलते हुए आगे बढ़ रहा है। एक्शन, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ आपकी अकेडमी से तीन लोग मिसिंग। अनिखिल गोयल ने होना भी सिर्फ गलती नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर चार्ज। सब लोग देख रहे हैं इतना क्या हो गया। ऋषि करो कॉम्पैक्ट ब्लॉक, हाँ एक्शन। आपकी अकेडमी से तीन लोग मिसिंग चार्ज। आज आपके सारे फेवरेट कलाकार जो हैं वो एक साथ एक मंच पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जश्न बनता है, जलसा जिसे कहते हैं, जलसा हो रहा है। एंड डांस है और बहुत ड्रामा है और सस्पेंस भी है, काफ़ी चीज़ें एक साथ मिलकर ये महासंगम बन रहा है। सो प्लीज़ वॉच इट ऑन 20th of November 7:30 ऑनवर्ड्स। जैसा आपने बोला जलसा होने वाला है, तो आप भी जलसे का पार्ट होंगी, डांस परफॉर्मेंस? जी बिल्कुल, जलसा हो और मोनामी उसका पार्ट हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो
मज़े करूँगी मैं अभी आपके साथ। जो जिद्दी दिल में कैरेक्टर है आपका प्ले कर रही हैं, रियल लाइफ में आप ऐसी ही एकदम मूवफट टाइप हैं? नहीं मूवफट तो नहीं है मोनामी, स्वीट बट चिल। जैसे कि मोनामी हमेशा गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करती है, वो उसके अगेंस्ट आवाज़ ज़रूर उठाती है, और मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ। अभी बस मेरी मुलाकात करिश्मा जी से हुई है फ्रॉम मैडम सर, उनके साथ एक सीन था, तो अभी तो फिलहाल मेरी मुलाकात उनसे हुई है। अपने लुक को कितना एंजॉय कर रही हैं आप? बहुत ज़्यादा, थीम है रेड और ब्लैक का, लड़कों ने ब्लैक पहना है, लड़कियों ने रेड पहना है, और मेरा लहंगा कुछ यस प्लीज़ वॉच जिद्दी दिल मानेना ऑन सोनी सब 8 बजे, और आप ये महासंगम का एपिसोड ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपके सारे फेवरेट कलाकार एक ही साथ आ रहे हैं एक मंच पे। ये होने वाला है 20th of November शाम 7:30 बजे, अरे यार, और ये होने वाला है 20th of November शाम 7:30 बजे से ओनली ऑन सोनी सब, तो प्लीज़ आइएगा मिलने। थैंक यू कावेरी, थैंक यू, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाय करण, कुणाल, कुणाल करण, कुणाल करण से बड़ा डैड। ओके सो आज का महासंगम जो प्रोग्राम चल रहा है आपको उसके बारे में कुछ पता है, खबर है, बताना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? जी हाँ, आज जिद्दी दिल माने ना, बागले की दुनिया और मैडम सर, तीनों का महासंगम चल रहा है, सो ऑल ऑफ अस गेट टू वर्क टुगेदर एंड ऑल ऑफ अस गेट टू मीट डिफरेंट पीपल व्हिच इज सच अ ब्रिलियंट थिंग। ओके, तो जिद्दी दिल के बाद जो कैरेक्टर है उसमें प्ले कर रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आई प्ले सिद्ध जी, सिद्धार्थ गंजू। सिद्ध जी बहुत ही चिल्ड आउट, यूज्ड टू बी इररिस्पॉन्सिबल बट धीरे धीरे उसे भी समझ आ रही है। ही इज ट्राइंग टू फिट इन दिस अकेडमी जहाँ पे ही इज अ कंप्लीट मिसफिट, बट प्यार की खातिर वो खुद को बदल रहा है। सो जिद्दी दिल जो शो है उसके बारे में कुछ इन डिटेल अपने फैंस को बताना चाहेंगे? शो के बारे में लिटिल डिस्क्रिप्शन, आई एम श्योर ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने पहले कहा नहीं है, बट जिद्दी दिल माने ना इज अ स्टोरी ऑफ, ये हम सारे करेक्ट्स हैं, हम सारे मिसफिट्स हैं यहाँ पे, जिस यहाँ पे हर किसी की अलग अलग पर्सनालिटी है, तो कुछ करेक्ट्स हैं, कुछ ट्रेनर्स हैं, और ये एकेडमी की कहानी। As you told, in real life you are a bit chilled out. In real life also you are like that? Depend करता है कौन सा फेज चल रहा है, अगर काम कर रहा हूँ तो then I'm not chilled out, then I'm on the job. What about your look? कुछ बोलना चाहेंगे तो? गर्मी है बहुत, बट अच्छा भी लग रहा है। So this is the look for today, outfit of the day. हम लोग डांस कर रहे हैं और जलसा हो रहा है यहाँ पे एकेडमी में, जहाँ पे द कैडेट्स एंड द ट्रेनर्स विल मिंगल विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड अदर शोज, सो हियर वी आर। सो आई एम महासंगम एपिसोड है, तीन तीन शोज की कास्ट एक साथ एक मंच पर देखने को मिलने वाली है, कौन आपके दोस्त हैं या किनसे मुलाकात हो पाएगी? मैं सुमित जी से मिला हूं फ्रॉम बागले की दुनिया, ऑफ कोर्स हु डजंट नो हिम। I was really, really hoping that मैं अंजन जी से मिलूं क्योंकि बहुत प्यारे लगते हैं, बट वो नहीं आ पाए। बाकी करिश्मा फ्रॉम मैडम सर इज हियर, आई हैवंट मेट हर येट बट वेटिंग, सो या अब तक तो इतना ही है, बाकी हमारे जिद्दी वाले तो सारे ही हैं। अच्छा, डांस परफॉर्मेंस के रिलेटेड कुछ बताना चाहेंगे, आपके लिए कितना इजी है अपने लेग्स से? मेरे लिए बहुत 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 डिफिकल्ट होता था, बट आजकल मैं इंजॉय कर रहा हूँ, तो रोज मतलब जब भी कोई परफॉर्मेंस होती है तो कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, और लर्निंग इज ऑलवेज फन। ओके, तो जोक के साथ भी कुछ ऐसा मतलब मूव्स करते हुए दिखाई देंगे आप? जी जी। कुछ बताना चाहेंगे जो आप दोनों को ज्यादा पसंद करते हैं शो में, आप दोनों की नोक झोंक को पसंद करते हैं शो में, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मतलब अब तक तो नोक झोंक ही चल रहा था, सीधे मुंह कभी बात होती नहीं है, बट आज हम डांस कर रहे हैं साथ में, सो दैट्स डिफरेंट, और ड्रीम सीक्वेंस नहीं है, रियल में कर रहे हैं। सो लास्टली एनी मैसेज फॉर योर ऑडियंस? थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, thank you for watching it on TV, please do watch it on TV,
That's it. Thank you. आपकी एंट्री हुई है, ये किसी महा एपिसोड से कम नहीं होने वाली है. क्या क्या होने वाला है महा एपिसोड में? सबसे पहले तो ये जानना. देखो, सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो दर्शकों को देखना ही पड़ेगा कि क्या होने वाला है महा एपिसोड में. बट बहुत मज़ा आने वाला है. बहुत सारे शोज़ के सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं, और आई एम लकी कि मैं उसी टाइम पे इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो सबसे मिलना भी हो गया. और शूट में तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब पिकनिक पे जाते हैं ना सारे लोग, कि सब हो और बताओ ये वो. अनलकीली मेरा कैरेक्टर बड़ा ही थोड़ा सा स्टर्न है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए ज़्यादा मैं घुल मिल नहीं पा रहा. इसलिए नहीं तो मज़ा बहुत आ रहा है सेट पे, और मेरे को बुलाने भी आ गए, और शूटिंग का टाइम हो गया है, वहाँ पे सेट लगा हुआ है. जल्दी दूसरा क्वेश्चन पूछ लो. ठीक है, तो आपके कैरेक्टर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कैरेक्टर आपको देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि मैं बोलूँगा ना, मैं खुद अभी कन्फ्यूज्ड हूँ. बहुत कम टाइम मिला था प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन बहुत ही यू नो समथिंग दैट आई हैव नेवर डन बिफोर. बहुत ही शेडेड, बहुत ही ब्लैक डार्क कैरेक्टर है. सो अब इसको फील ऐसा करना है कि जो ये कर रहा है सही कर रहा है. दैट्स अ स्ट्रगल विद इन मी ओनली, तो मैं वही स्ट्रगल में जूझ रहा हूँ, इसलिए बातें भी कम कर पा रहा हूँ. अच्छा, आज के डांस सीक्वेंस को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? जो ब्रेक के बाद देंगे, अभी हमें शॉर्ट में दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन खत्म. डांस के बारे में जो बोलो, तो मैं डांस कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि वो डांस कर ही नहीं पा रहा है. इसलिए प्लीज वॉच सब 20th को सैटरडे 7:30 से ये महा एपिसोड शुरू हो जाएगा. सो प्लीज डोंट मिस इट, एंड लव यू ऑल. दिस इज करणवीर मेहरा साइनिंग ऑफ. बाय-बाय. थैंक यू. तो आपने बताया कि आपका कैरेक्टर काफी बोरिंग है, आप रियल लाइफ में भी, बट लगता तो नहीं आप वैसे हैं. तो हाँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर में जम रहा हूँ ना, तो मैं ये रियल लाइफ में भी बोरिंग नहीं है. बट फर्स्ट डे आई वाज प्रीटी दिस थिंग ना. नो नो, यू वर ऑब्वियसली फर्स्ट डे लगता है समझने में. मैं भी समझ रही थी, फर्स्ट शॉट था जिसे मुझे डरना था, इसे खतरनाक वाहियात बनना था. हाँ, और ये तो दो लोगों को डरा के रख रही है जो शो में, उसको डरना था वैसे. हाँ, वो अलग बात है, शो में आई वुड कुछ लोगों को डरा के रखती थी, बट अब नया कैरेक्टर शेड आया. बट अदरवाइज ही नॉट बोरिंग. इवन आई थिंक अ साइको कैरेक्टर कैन नेवर बी बोरिंग, एंड स्पेशली द वे ही इज पोर्ट्रेइंग, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं. तो सर ने तो अपने कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ खुल के नहीं बताया, आप बताना चाहेंगे? ये साइको है, बहुत प्यार करता है, बहुत पोजेसिव है, और बहुत मारता भी है. ही इज अब्यूसिव एंड लोगों को देखने दे, फिजिकल अब्यूज करता है, बट वो इतने रियलिस्टिक ढंग से करता है कि एक्चुअली कोई देखेगा भी तो खौफ आ जाएगा. हमारा एक सीन अभी आया है और मैंने देखा तो मुझे ही डर लग रहा था. माई मदर सेड कि मैं देख नहीं पाई, और हेयर ड्रेसर सेड कि मैंने देखते देखते स्किप कर दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था. वाकई में बहुत, आप लोग स्किप भी देख लेना, एक्टिंग कर रहा हूं मैं. बहुत ही डरावनी तरीके से शूट किया था, एंड वहीं से भाग के मैं इस अकेडमी में आई हूँ. और आज पहला दिन हम अकेडमी में शूट कर रहे हैं कि मेरा पास्ट मेरे प्रेजेंट में आ गया है. तो जिद्दी दिल का जो ये शो है, उसमें आप दोनों का बॉन्ड क्या है? ही इज माय हस्बैंड, ये मुझे अपने उसमें जकड़ के रखता है, एंड आई चुंगल में रन अवे, आई रन अवे. और अभी पता चलेगा कि क्या होता है, मुझे यहाँ लेने आया और मैं भागती हूँ जगह जगह इससे बचने के लिए. आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन, बट आई नो ये पावरफुल है. सब पता देखिए, देखिए तो मुझे खुद नहीं पता है कि क्या है आगे. आई थिंक अभी हम शूट करना शुरू करेंगे, मज़ा आएगा, बिकॉज काफ़ी सारे लोग नए हैं, ये भी अभी आए हैं. तो लकीली सही टाइम पे एंट्री होगी. एवरीवन, यहाँ इतने सारे किरदार हैं, मतलब कुछ एक्टर्स को मैं जानती हूँ पहले से, कुछ को नहीं जानती हूँ. और थैंक यू, आप इतने सारे लोग आ गए हो, और भी माहौल जमाने के लिए पिकनिक करेंगे. रंगीन हो गया, इनका तो फोन भी ऐसा जबरदस्त एकदम. अभी तो मेरी सिर्फ इसी से हुई है मुलाकात, अभी तो हम दोनों एक दूसरे को अंदर ही मिले हैं, बट अभी तो मैंने सीन नहीं किया. मैं राजेश, आई थिंक राजेश आई मेट, एंड आई मेट और कौन आया मुझे पता ही नहीं. मैं तो अभी आई हूँ, बट मोस्टली जो एक्टर्स हैं उनको मैं जानती हूँ पहले से. तो सोनी के साथ काम करने में आपने क्या सोचा कि कैसा होगा एक्सपीरियंस? सोनी इज योर फर्स्ट शो विद सब व्हाट? आर यू मैड? आई हैव डन सो मेनी शोज विद सोनी. हां, कब से है ये? सोनी के साथ भी किए हैं बहुत, सब सोनी साथ तो बहुत किए हैं. विंटर ब्यूटी पार्लर, हां करेक्ट, आई आल्सो डन दैट, या यू वर इन द सेकंड दिस थिंग. और तारक मेहता जो मेरा काफी शो था, बहुत सारे शोज किए हैं, कैमियोज बहुत किए हैं मैंने सबके साथ. तो सब इज वेरी कंफर्ट चैनल, बट ऑफ कोर्स सीरियस शो सब में नहीं होते थे. But this is not serious. This is more of a youth-based, serious and youth-based show. Like how Twinkle Beauty Parlor was also like that, like a youth-based, not a funny show, but a realistic show. So this is also, I feel, realistic show. मजा आ रहा है हमें काम करने में, सबको बहुत मजा आ रहा है, because you don't have to act loud. You just have to be in your real zone and act.
और अच्छी टीम है, अच्छे सीन्स लिख के जाते हैं और चैनल बहुत अच्छा है जो प्रमोट्स वेल एंड they also take a lot of experienced actors which is a very good thing. Yeah. So excluding your real character, real life में आप दोनों में से punctual कौन है? Punctual दोनों ही हैं हम? नहीं? हाँ punctual. मैं हूँ punctual. क्या क्या बातें निकला रहे हो तुम? हमारे producer तो जाएंगे यार. Shoot पे आना है. Obviously हम punctual होते हैं. There's no option. हाँ. But otherwise अगर कोई मुझे कहीं party पे बुलाते हैं, तो I take a lot of time to get ready. अगर बोला हुआ 1 बजे तो आराम से 2 बजे 2:30 बजे पहुँचूँगी. आप समझ गए इसको party पे बुलाने के लिए बोलना पड़ेगा. Shoot है simple. आ जा. But I'll never do that on my shoot. And it's more sophisticated. Like मैं ये नहीं करूँगा करूँगा. I am very sophisticated for sure. And I have my rules कि मैं ये नहीं करूँगी और ये करूँगी. I am my demarcations are fixed. I don't think it's scary. मेरा तो काफी chill है. Okay. पैसा फेंको कुछ भी करा लो. ये काफी chill है. More complaints regarding the situation like कि क्या है यार क्यों है like that. अच्छा लगता है जब मैं फीडबैक सुनने को मिलता है. मुझे बहुत एक्चुअली में फीडबैक आ रहा है अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रैक. मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं अबाउट वी आर विद यू, यू आर स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग. और किसी की अब्यूसिव मैरिज रही है उसके दे शेयर दैट थिंग विद मी कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, यू नो यू शुड नॉट बी एंड आई फील फॉर यू, आई फील फॉर योर कैरेक्टर. मतलब माई डी एम इज फुल एवरी डे फॉर द हाउ मेनी पीपल आर विद मी ऑन दिस. आई मीन आई वाज अमेज्ड. नहीं नहीं बट मेरा पास दिखा रहे ना इवन बिफोर यू केम. हां पिटाई बहुत हो रखी है. करेक्ट इसलिए तो मेरे को भी बचा लेना बोलना. ऐसा नहीं है कहीं पता लगे कि तू बोल दे हां ये लड़का ऐसा ही है. हां तो मैंने तुम्हारे कॉमिक वो भी डाले मैं इंस्टाग्राम पे. अब बनाएंगे भी बनाएंगे रील भी बनाएंगे. शरीफ वाला ही इज अ नॉन सीरियस पर्सन. आई डोंट नो हाउ ही इज डूइंग दिस सीरियस बट आई होप दैट थ्रू द स्टोरी देयर इज अ मैसेज दैट्स बीन सेंट टू पीपल लाइक दिस बेसिकली टू स्टे स्ट्रांग. समझ जाए हां कि कोयल जैसी लड़की भी अगर अपनी अपने बेटे को लेके भाग सकती है और एकेडमी में छुप सकती है और वैसे ऊपरी तौर पर वो बहुत स्ट्रांग है, वो सबसे लड़ती है, लेकिन इसके साथ पावर गेम में डर जाती है. और कैसे हमें नहीं डरना चाहिए, यू नो वी हैव टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन. सो आई थिंक इट मोटिवेट पीपल टू डू दैट. आई होप ये भी ठीक हो जाए फिर हंसी खुशी, यू नो गुड एंडिंग हो जाए. व्हाट इज अ गुड एंडिंग दैट यू बिकम नॉर्मल जहां पे वी हैव अ सेकंड चाइल्ड. ओके यू नो बहुत कम टाइम ऐसे होता है यू गेट टू वेयर समथिंग आउट फ्रॉम योर ड्रिल यूनिफॉर्म एंड फ्रॉम योर डेली यूनिफॉर्म्स एंड ऑल दैट थिंग. तो कुछ ऐसे जब मौके मिलते हैं जब महासंगम होता है या फिर कोई फेस्टिवल होता है, दिवाली हो या दशहरा हो, तो वी गेट अ चांस टू यू नो वेयर ऑल दिस काइंड ऑफ अटायर. वरना हम हमारे ड्रिल यूनिफॉर्म्स में ही होते हैं यूजुअली. वेल सो आज के महासंगम को लेकर के क्या बताना चाहेंगे, क्या ट्विस्ट आने वाला है, क्या महा ट्विस्ट देखने को फैंस को मिलने वाला है? एक्चुअली देर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड सीरियसली स्पीकिंग मैं तो सिर्फ ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मुझे कई दफ़ा मुझे मैसेजेस आते थे, DMs आते थे कि यू नो कि कोयल और फैजी की स्टोरी कब बढ़ेगी, कब हमें उनकी स्टोरी देखने में. सो नाउ इज़ द टाइम वेयर यू कैन एक्चुअली वॉच. बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं एंड आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है. आई जस्ट वांट टू से आप 20th of November ऑन सैटरडे डोंट मिस इट, यू गोना लव इट. रिलेशन एज इन लाइक रियल लाइफ. रियल लाइफ तो या कोयल एंड मेरा जो रिलेशन है इन दिस शो इट्स अ वेरी मैच्योर्ड रिलेशन. लाइक कुछ चीज़ें यू नो ना कह के भी समझना इशारा विशारों में एंड ऑल दैट थिंग. लाइक ऐसे बहुत कम बार ऐसे होते रिलेशन ना, इट्स लाइक यू नो जस्ट आई गॉट व्हाट यू वांट टू कन्वे, इट्स लाइक एंड उसे भी समझ में आ जाता है. सो एक अच्छी तरीके से एक मतलब एक सटल प्यार भरा जैसे फैजी है, लाइक ही इज अ फ्लर्ट दिल खुश एंड ऑल दैट थिंग. बट व्हेन इट कम्स टू कोयल वो एकदम उसके लिए एकदम नरमी से होता है. मतलब लाइक उसके लिए एक इज्जत है, एक रिस्पेक्ट है. मे बी आफ्टर रीडिंग दैट लेटर उसका उसके लिए और इज्जत बढ़ गई है उसके लिए. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो जैसे मैंने कहा था कि फैजी के बहुत सारे शेड्स हैं, मैंने कई इंटरव्यूज़ में भी कहा था, बट ये एक अच्छा एक उसका एक अलग सा एक पार्ट है जो आपको देखने मिलेगा एंड बहुत प्यारा पार्ट है ये. जैसा कि हम जानते ही हैं कि महा एपिसोड है,
अदर टीम भी आई है अदर शोज की, किससे मुलाकात हुई है, किनसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा? या आई जस्ट मेट सुमित दा, सुमित राघवन, आई कॉल हिम सुमित दा बिकॉज़ वी हैव डन कपल ऑफ मराठी फिल्म्स एंड ऑल दैट थिंग, सो ही व्हेन ही जस्ट सॉ मी वाज लाइक कब टू तो लाइक मतलब देखते नहीं है शोज, ऐसा लग रहा है अभी हम लोग को कि हमारा शो देख नहीं रहे, वो बहुत बिजी होते हैं अपने अपने शोज में, तो इसलिए मुझे देख के ही वाज लाइक ज़ैप्ड, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, मतलब वाह, बट या आई जस्ट मेट हिम, वी इंटरेक्टेड एंड अच्छा खासा एक दो हमने सीन्स अभी जस्ट किए, एंड लेट्स सी, वेटिंग फॉर द मैडम सर टीम, आई थिंक दे आर शूटिंग एज वेल। एंड हाउ अबाउट योर डांस परफॉर्मेंस, लाइक कौन से गाने पे डांस करने वाले हैं? वो तो आप 20th ऑफ नवंबर को ही देखिए कि हम कौन से गानों पे आपको एंटरटेन करने वाले हैं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं सब यहाँ पे बताऊंगा तो यार मुझे चैनल वाले सब लोग पकड़ के मारेंगे। लेकिन हाउ अबाउट डांसिंग, डिफिकल्ट है आपके लिए, लाइक मतलब लेग शेक करना? अगर हमारा कोरियोग्राफर अगर हमसे करवाता है तो हम उसे बोलते कि ऐसे स्टेप्स दो यार जो दिखे भी अच्छे एंड एलिगेंट भी लगे एंड इजी भी लगे। सो एज यू टोल्ड योर कैरेक्टर इज लिटिल फ्लर्टी एंड आल्सो इन रियल लाइफ आल्सो यू आर लाइक दैट? हां नहीं, रियल लाइफ में मैं बहुत ऑपोजिट हूं। बाकी सब चीजें जो है कैरेक्टर में मैं वही हूं आदित्य, बट इन रियल लाइफ फ्लर्ट छोड़ के बाकी सारी चीजें। सो एज यू टोल्ड महासंगम इज ऑल अबाउट द डांसिंग एंड ऑल कांसेप्ट, तो आज का कुछ हिंट देना चाहेंगे? मैं ज्यादा हिंट तो नहीं दूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि बहुत सारे ट्विस्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, जहाँ मतलब हिंट तो मैंने यही दिया है कि आपको कि वागले की टीम है, मैडम सर की टीम है, तो आप अंदाज लगा सकते हो कि बहुत कुछ होने वाला है। ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर फैंस जो ये एपिसोड के लिए ईगरली वेट करने वाले हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जितने बेसब्री से हम इस एपिसोड का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब टेलीकास्ट होगा और कब हम देखने वाले, उसी तरीके से उसी क्यूरियोसिटी के साथ हम आपको भी कह रहे हैं कि आप प्लीज़ थोड़े दिन 20th of November, Saturday को आप प्लीज़ इसे मिस मत कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपका भी साथ में होते हैं और वो मिलके सब टीवी पर आते हैं, जिसको हम महासंगम कहते हैं। तो आपका जो कैरेक्टर है वो तो काफ़ी जिद्दी है, काफ़ी यू नो बहुत ज़्यादा डेयरिंग वाली लेडी डॉन टाइप है, तो आप रियल लाइफ में वैसी हो क्या? नहीं, मैं रियल लाइफ में डरती तो नहीं हूँ, बट करिश्मा जितनी फेयरलेस नहीं हूँ। करिश्मा इज लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रांग लेडी, बट आई मस्ट से कि मैंने करिश्मा से आई हैव लर्नड अ लॉट। आई हैव लाइक बेसिकली द पावर दैट करिश्मा हैज़ द एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, बिकॉज कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर होता है ना तो जो चीज़ें आप नहीं भी कर पाते वो भी कर जाते हो, बिकॉज हियर यू आर कॉन्फिडेंट, नहीं मैं कर लूँगी ये, तो वो हो जाती है चीज़ें, यू नो। सो करिश्मा तो मैंने एक्सप्लोर किया अपने अंदर से कि शिट मैं इतना गुस्सा भी कर सकती हूँ लाइफ में, मैं ऐसी भी हो सकती हूँ, तो नहीं मैं करिश्मा से बहुत अलग हूँ, अपोजिट। काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो महासंगम का हिस्सा बने हैं, कोई आपके दोस्त हैं जिनसे आप मिली हो अभी? नहीं, मेरे शुभ लाभ पे जो लक्ष्मी जी हैं छवि, शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, तो उनके साथ मेरा अभी तक महासंगम नहीं हुआ है, मैं चाहती हूँ उनके साथ हो, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। यहाँ पे तो आई विल मीट देम एंड आई विल मेक न्यू फ्रेंड्स। एंड व्हाट अबाउट डांस सीक्वेंस, जहाँ पर इस कपड़ों में आपको डांस करना है, कितना इजी होने वाला है? ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया कि कौन सा गाना है और क्या डांस स्टेप्स है अभी तक, तो और अभी मुझे पता चला है कि इसमें उन्होंने 4 नेट अंदर लगा रखे हैं जिससे मैं अब चल भी नहीं पा रही हूँ, तो लेट्स सी हाउ इट गोज, एंड में तो सब अच्छा ही होता है, तो आई एम श्योर सब अच्छा ही होगा। बट आपके लिए कितना कंफर्टेबल होता है, लाइक सी डांसिंग हैज बीन माय वन ऑफ माय हॉबी, सो डांस तो हो ही जाता है यार, हम किसी थोड़ी सी भी हमें खुशी मिलती है, व्हाट डू वी डू, वी डांस राइट, तो वो हो जाता है व्हेन यू डू इट विद ऑल योर हार्ट, इट जस्ट यू नो। क्या हुआ ना दैट टाइम स्लॉट्स हमारे बहुत चेंज हुए, फिर बीच में कोविड आ गया, सो इससे क्या हुआ ना वो हाई जाते जाते हम लो जाते चले जाते हैं, तो जो न्यू एंट्री आई है वो बहुत ही पावरफुल एंट्री है हमारे शो के लिए, बिकॉज इट्स अ रोबोट, इंसानी इंसान के रूप में एक रोबोट आया है, एंड चिल्ड्रंस विल लव इट, क्योंकि उनको मज़ा आता है ना देखने में ऐसा कुछ चीज़ें, और वो रोबोट को हमें जज्बात सिखाने, हाउ इज़ इट पॉसिबल? सो ये एक जो सबका अलग अलग फ्लेवर्स निकले हैं सबके उसके साथ, तो आई एम श्योर पीपल आर गोना लव इट फैंस। एक सेकंड, तो जो रिसेंटली अभी दिल्ली में यू नो एक छोटा सा सीन हो गया था कि सारी में आप नहीं अलाउ कर सकते, तो आपके शो में भी एक सीन एपिसोड देखने मिला रिसेंटली, राइट? हमारे एपिसोड्स अगर आप फॉलो करेंगे तो हर एक स्टोरी रियल होती है, रियल जो भी हाँ होते हैं उन्हीं से ही उठाया जाता है,
और ये साड़ी वाला भी हुआ था जिसको बहुत खूबसूरती से बताया कि साड़ी नारी का गौरव होता है और गौरव को बैन नहीं उस पर गर्व किया जाता है, तो ये चीज़ है। आई लव इट यार, लड़कियों को लहंगा साड़ी कितना पसंद होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रिटी पीच कलर लहंगा और प्यारे प्यारे इयररिंग्स दे दिए, थोड़े से हमने बाल सवार लिए, वो उसमें तो मेरे बाल ऐसे कि कस के ऐसे बना देती दीदी, सो कुछ डिफरेंट आता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। फैंस को मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग बहुत प्यार भेजते हो, मुझे आपके गिफ्ट्स, आपके लेटर्स रोज़ मिल रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सोनी लिव की जगह सब टीवी पर शो देखिए, क्योंकि जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है मतलब लोग तो बहुत देख रहे हैं। सो प्लीज़ वॉच इट ऑन सोनी सब @7:30 PM। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।